हमारे यहाँ पे तो मैकडोनल्ड में जाओगे तो मैकडोनल्ड के अंदर आपको कोक, फेंटा, स्प्राइट, फ्लोट, ये वो जूस ये सब। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू छेका। अगर आप चैनल पे नए हो और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और पुराने होके भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे, हम रिव्यू नहीं करने वाले हैं, हम आज रेट करने वाले हैं बियर्स को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 स्ट्रॉन्ग बियर्स फॉर 2023। इन बियर्स के अंदर मैंने किसी भी तरह की इंपोर्टेड बियर्स को इंक्लूड नहीं किया है और ना ही वीट बियर को इंक्लूड किया है। जैसे कि थोड़े टाइम पहले मैंने टॉप 5 माइल्ड और या फिर लाइट बियर्स का रिव्यू किया था, उसमें सिर्फ लागर बियर्स को इंक्लूड किया गया था, जो आपके टिपिकल मार्केट में मिलने वाली लागर बियर्स होती है उन्हीं को। सिमिलरली टॉप 5 स्ट्रॉन्ग बियर्स भी लागर बियर्स को ही इंक्लूड किया है मैंने, इसमें वीट या इंपोर्टेड बियर्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। हम उनका एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। ऑलराइट, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली टॉप 5 की बियर है, टॉप 5 की पहली नहीं बताऊंगा मैं, 5 से शुरुआत करूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखो एंड तक मेरे साथ में बने रहो। और एक और चीज बताना भूल गया आपको, एंड में आपको एक बढ़िया सा दारू तथ्य भी मिलेगा, तो वो सुन के पूरा वीडियो देख के फिर जाओ। तो चलो अब शुरुआत करते हैं नंबर 5 के साथ में। नंबर 5 पे आती है किंगफिशर स्टॉर्म। हाँ जी, ये जो बियर है ये एक स्ट्रॉन्ग बियर है, ऑफकोर्स इनकी अल्कोहल स्ट्रेंथ जो है वो समवेयर बिटवीन 5-8% में फॉल करती है। 140 रुपए की बियर है और 500 ml कैन, 140 रुपीज़ फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी किया है, आपको आई बटन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जितनी भी बियर्स हैं इन सबका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जो जो बियर मैं आपको बताने वाला हूँ उन सबकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप चेक कर सकते हैं उन बियर का इंडिविजुअल रिव्यू भी। तो किंगफिशर स्ट्रॉन्ग जो है वो नंबर 5 पे। इसके अंदर ऑफकोर्स एडजंक्ट्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, राइस, कॉर्न, शुगर वगैरह जो है वो यूज़ हुई है, लेकिन ये एक अच्छी बियर है। स्ट्रॉन्ग बियर की कैटेगरी में मोस्टली आप देखने जाएंगे तो एडजंक्ट्स जो है वो यूज़ होते ही हैं बियर के अंदर मेजरली। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब बियर में, लेकिन मेजरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये नंबर 5 पे रैंक करती है। अब अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे आती है मिलर एस। हाँ जी, मिलर एस जो है वो नंबर 4 पे रहती है। इसके अंदर भी एडजंक्ट्स यूज़ किए गए हैं, इसके अंदर राइस जो है उसका इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इसकी जो प्राइस है वो है 195 रुपीज़ फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। इस बियर के अंदर शुगर इस्तेमाल नहीं की गई है, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। ये बियर नंबर 4 पे इसलिए क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ज़्यादा है और इसके अंदर राइस का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, लेकिन बियर जो है वो काफ़ी बढ़िया है। जब मैंने टॉप 5 लाइट बियर का रिव्यू किया था अभी रिसेंटली, उसके अंदर मिलर की हाई लाइफ जो है उसे भी रैंक किया है। मिलर की बियर जो है दोनों मुझे माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही अच्छी लगी है, इसलिए ये मेरे टॉप 5 के अंदर शामिल है। रिव्यू आपको देखना है तो आई बटन पर नोटिफिकेशन आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे जो बियर आती है वो है एम्स्टल। इसके अंदर भी एडजंक्ट्स यूज़ किए गए हैं, इसके अंदर राइस, शुगर और मेज़ वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्राइस पॉइंट से देखने जाएं तो ये है सिर्फ 150 रुपए की, इसलिए नंबर 3 पे रैंक करिए। 150 रुपए 500 ml कैन के लिए, 150 रुपीज़ फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। एल्कोहल स्ट्रेंथ आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग बियर का रिव्यू कर रहे थे, ये सारी की सारी बियर्स जो है वो 5-8% के एल्कोहल रेंज, एल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में रेंज में फॉलो करती है। तो एम्स्टल एम्स्टर्डम की बियर है, बढ़िया बियर है, आपने अगर ट्राई नहीं करी है तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो बियर आती है उसकी भी जो माइल्ड बियर है वो हमारे टॉप 5 माइल्ड बियर की कैटेगरी में है, रॉयल चैलेंज स्ट्रॉन्ग बियर। इस बियर की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 130 रुपये 500 ml कैन के लिए, और इसी वजह से उस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करके, उस पॉइंट को कंसिडर करके आई वुड से इस बियर ने अपना एक एडवांटेज लिया है इस रैंकिंग में ऊपर आने के लिए। 130 रुपये में 500 ml का कैन, 130 रुपीज़ फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। और इस बियर के अंदर एडजंक्ट्स यूज़ किए गए, लेकिन इसके अंदर जो शुगर है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। रॉयल चैलेंज की जो माइल्ड बियर है उसके अंदर शुगर का इस्तेमाल किया गया, उसके इंग्रीडियंट में मेंशन है, इसीलिए मैंने उसको
आप उसकी टॉप फाइव की रैंकिंग देखेंगे। जब माइल का अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है टॉप फाइव माइल बियर का, वो आप देखिए, उसके अंदर वो रैंकिंग में नीचे है, लेकिन ये जो है वो नंबर दो पे है क्योंकि इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया और काफी सस्ती प्राइस है। 130 रुपए एक स्ट्रॉन्ग बियर के लिए 500 ml कैन के लिए मैं कंसिडर करता हूँ काफी सस्ता। आपने जो अभी तक की प्राइस देखी है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग 140 की थी, लेकिन उसके बाद में मिलर 195, उसके बाद में एम्सटल जो थी वो 150 की थी, लेकिन इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन रॉयल किंग ये रॉयल चैलेंज स्ट्रॉन्ग जो है इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं है और सिर्फ 130 रुपए में, तो एक बढ़िया बियर है और टेस्ट वाइज भी ये बियर जो है वो अच्छी है। अब अगर हम बात करें हमारे किंग की जो कि है नंबर वन पे, तो वो है मेरी ऑल टाइम फेवरेट उसकी माइल बियर है। मैं स्ट्रॉन्ग बियर अगर पीता हूँ तो ऑफकोर्स यही पीता हूँ और वो है बडवाइजर मैग्नम जो कि आती है 185 रुपए की 500 ml का कैन, 185 रुपीस फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। किसी भी तरह के कोई एजेंट्स यूज नहीं किए गए हैं इसमें, किसी भी तरह के शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ऑल टाइम फेवरेट बियर होती है लोगों की बडवाइजर मैग्नम, मेरी भी है, बहुत बढ़िया बियर और काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रही है। एक बियर जो है उसे मैं कॉल आउट करना चाहूंगा जिसे मैंने टॉप फाइव में नहीं डाला है, तो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी इश्यूज देख रहा हूँ उस बियर के, जो कि है बैक साइज। अगर आपको वो बियर मिलती है आपके आसपास में तो ऑफकोर्स आप उस बियर को कंसिडर कर सकते हैं टू पे, और उसके बाद आपकी जो रेटिंग है वो वैसे डिफाइन हो जाएगी, जैसे कि पाँच से स्टॉर्म हट जाएगी, देन मिलर उधर आ जाएगी, देन आपकी एम्स्टल मिलर को रिप्लेस कर देगी, आरसी थर्ड पे आ जाएगी, टू पे बैक साइज आ जाएगी एंड फर्स्ट पे आ जाएगी बडवाइजर मैग्नम। बैक साइज बहुत ही अच्छी बियर है, जर्मन प्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ बनी होती है और प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छे रेट में मिलती है, लेकिन रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी इश्यूज देख रहा हूँ इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है इजिली देन सर्टनली आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉप फाइव स्ट्रॉन्ग लागर बियर फॉर 2023। आई होप आपको ये जो रेटिंग है या रैंकिंग जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपकी कुछ डिफरेंट ओपिनियन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सी टॉप फाइव स्ट्रॉन्ग बियर होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो अब बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की। तो हमारा जो दारू तथ्य है वो ये है, समवेयर बियर से जुड़ा हुआ है। अब देखिए हमारे यहाँ पे तो मैकडोनल्ड में जाओगे तो मैकडोनल्ड के अंदर आपको कोक, फैंटा, स्प्राइट, फ्लोट, ये वो जूस ये सब मिल जाएंगे, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे मैकडी जो है अपने मेनू के अंदर बियर भी सर्व करता है। जी हाँ, बियर सर्व होती है मैकडोनल्ड के अंदर, और उन कंट्रीज का नाम है फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल एंड साउथ कोरिया। इन सारी कंट्रीज के अंदर मैकडी के मेनू के अंदर आपको बियर भी मिलेगी, तो आप कभी भी विजिट कर रहे हो तो मैकडी में जाके चेक करना कि वहाँ पे बियर है, कौन कौन सी बियर है, कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपने ऑलरेडी पी है मैकडी के अंदर बियर कहीं पे तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा और किसी कंट्री को आप जानते हो जहाँ पे मैकडॉनल्ड के अंदर बियर सर्व करी जाती है, मेनू में बियर है, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रैंकिंग पसंद आई होगी, रेटिंग पसंद आई होगी, दारू तथ्य पसंद आया होगा। सब पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो, चैनल को शेयर करो फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज सैड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन चीयर्स।